एक्चुअली मैं बहुत धक्के मार मार के रनिंग स्टार्ट की गई थी, और कोरोना वायरस ही ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से रनिंग स्टार्ट हुई थी। बिकॉज तेजा माइक इधर है, आई थिंक मैं तेज बोल रही हूँ या तो फिर इधर पकड़ो मैं। हाँ चलो, हाँ तेजा माइक इधर है। बाबू मैं जा रहा हूँ इसको फेंकने, चाबी मेरे पास नहीं है। माइक टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3। तो हुआ ये कि अभी हो गए हैं दोपहर के 3 बजे, सनलाइट ख़त्म होने वाली है, फिर भी सोचा कि लास्ट मोमेंट पे कहीं पे घूम के आते हैं। ये मेरे हाथ में पेड़, हमारा क्रिसमस ट्री का आधा रिमेनिंग पेड़, तो उसको अब जाके हम डंप करने वाले हैं। अब देखते लोगों ने पेड़ कहाँ लगे हैं। अच्छा यहाँ पे है भाई, सबके तो चॉप नहीं किए लोगों ने, मैंने ऐसे ही रख दिया। सो वेलकम बैक टू द व्लॉग। टुडे इज 10th of January एंड हम सोए, लेट उठे एंड देन फिर गोभी का पराठा खाया अचार के साथ, रायते के साथ, एंड देन अब नींद आ रही है पर सोना नहीं है। अपन को एक्टिव रहना है क्योंकि सो जाओगे तभी आपका फैट बढ़ेगा, एंड आई डोंट वॉन्ट दैट टू हैपन, बिकॉज मैं जैसे ही कुछ खाता हूँ कुछ पीता हूँ एक गाल निकल आते हैं मेरे। अच्छा जो बात मैं आपको बताना भूल गया था वो बात ये है कि एक बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो ये है कि आपका जो फेवरेट खाना होता है वो खाने के पहले खाते हैं या खाने के बाद खाते हैं, मतलब कि फर्स्ट आप उस पर हमला करते हैं वो या उस पर लास्ट पे हमला करते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल हमारे दिमाग में चल रहा था, फिर बाद में इसका आंसर हमें ये पता चला कि जो फेवरेट खाना है मैं लास्ट में खाता हूँ। वो इसलिए क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि आप उस चीज़ के लिए अपने पेट में जगह बचा के रखते हैं और तब तक आप बाकी के जितने चीज़ें हैं वो खा लें, और तो वो मिनिमम में खाना पड़ेगा, सारा एक साथ नहीं खाना पड़ेगा। इसीलिए मैं लास्ट वाला चीज़ लास्ट में, फेवरेट वाला चीज़ लास्ट में खाता हूँ। और ये जो महाशय है, ये महाशय फेवरेट है। तो क्या बोलेंगे जो है महाशाही, ये जो महिलाएं हैं ये अपनी फेवरेट चीज़ें पहले खा लेती हैं चाहे उसके बाद कुछ और खाने का मन करे ना करे। जो बंगाली कुजीन होता है उसके अंदर थोड़ा 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 सब खाना होता है, इट्स मोर लाइक फ्रेंच कुजीन जिसमें आपको थोड़ा मील मिलता है छोटा छोटा छोटा, तो ऐसे ही बंगाली कुजीन में भी रहता है। और फिश जो होता है वो लास्ट में खाया जाता है, तो मेरा वही सवाल था कि फिश लास्ट में क्यों खाया जाता है। तो बंगालीज के लिए फिश इज लाइक द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरा चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था वो इस बारे में, वो था व्हाट्सएप के बारे में, क्योंकि अभी व्हाट्सएप काफ़ी न्यूज़ में है बिकॉज वो कोई नोटिफिकेशन पे एग्री करवा रहा है, आप सभी से आपके फ़ोन में मैसेजेस आए होंगे, तो उसका मतलब ये है कि अब फेसबुक का जो फेसबुक है इज़ रनिंग व्हाट्सएप, एंड व्हाट्सएप में जो डेटा है जो भी आप मैसेजेस करते हैं दैट विल बी यूज्ड बाय फेसबुक इन फ्यूचर। तो उससे होगा क्या कि बेसिकली बेस्ड ऑन योर चैट्स वो बेस्ड आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिला करेंगे। बट द होल आइडियोलॉजी बिहाइंड सच ए मूव व्हेन डेटा प्राइवेसी लॉज आर बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट इज़ वेरी ऑसम, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू लिसन टू। व्हाट्सएप ऐसा क्यों कर रहा है, दैट्स द बिग क्वेश्चन नाउ। व्हाट्सएप इसलिए कर रहा है क्योंकि व्हाट्सएप इज गोइंग टू ब्रिंग आउट सम चेंजेस इन द नियर फ्यूचर, जो कि इट विल मेक द कनेक्शन बिटवीन टू पीपल मोर ईजी। लाइक अभी आप व्हाट्सएप वेब के साथ अगर आप चैट करने बैठे तो यू वॉन्ट बी एबल टू व्हाट यू से वीडियो कॉल नहीं कर सकते, व्हाट्सएप वेब पे वो चीज़ एनेबल हो जाएगी, पेमेंट्स एनेबल हो जाएंगे, एंड भी जैसे आप 3 लोगों में चैटिंग चल रही है एंड देन द थर्ड पर्सन प्रॉब्ली वो किसी रीज़न से फ़ोन नहीं उठा पाया, देन व्हाट विल हैपन इज़ दैट द थर्ड पर्सन विल बी एबल टू टेक दिस कॉल बैक लेटर ऑन इवन व्हेन द कॉल इज़ रनिंग। लेट्स से वो कॉल उठा नहीं पाया तो ही कैन टेक इट लेटर ऑन डाउन द लाइन। सो ये सब जो चेंजेस हैं दैट विल मेक एवरीथिंग डिफरेंट ऑल टुगेदर इन कमिंग फ्यूचर। यहाँ पे इस साइड दिखाओ कैमरे में, इधर ना गर्मियों के टाइम में आएगा वो टाइम भी जब देखना इतने लंबे खेत चाहिए, किस चीज़ के हैं पता नहीं। और इस वक्त ये कुछ और प्लांटेशन लगी है, फिलहाल तो लोग इस पे वॉक भी कर रहे हैं, बट जनरली लोग वॉक करते हैं। बट हम जब दौड़े थे तब इतने बड़े बड़े वो थे ना। हाँ। तो हाँ यहाँ पे ऐसे भी रास्ते हैं
यहाँ से गांव की फील आ जाती है, और 5 मिनट थोड़ा सा इधर जाओ तो पूरी सिटी की फील आ जाती है। The universe tried everything to make you work. We can't stop, no, we can't stop the sky from falling. Lights go down. Do you even know if I'm even around? And I have fun. Lights that made me blind, and I'm losing my mind. हाँ, तो अगर आपके घर में ऐसा कुछ सामान है जो आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको बाहर रख सकते हैं। जिसका एक एग्जांपल है कि यहाँ किसी ने अपनी बुक्स रख रखी हैं। क्या है यहाँ पे? क्या क्या है? ओहो, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। और कौन से साल की है? 94 की है। आप इसको जैसे जब जर्मन सीख रहे हैं तो ऐसी ऐसी बुक्स के साथ शुरू कर सकते हैं। छोटी छोटी सी बुक्स, स्टोरी बुक्स हो गई या फिर बच्चों की स्कूल बुक्स होती हैं जो। अच्छा, ये नेक्स्ट चीज़ है। यहाँ पे क्या मिलता है पता है? यहाँ पे मिलता है सिगरेट। तो ये सिगरेट का काउंटर है, तो इसका एक पैकेट 6 यूरो का, 2 पैकेट 12-13 यूरो। तो यहाँ पे कैश डाल सकता है और कार्ड भी डाल सकते हैं। कार्ड ये बेसिकली इसके लिए है कि आपका जो रेसिडेंट कार्ड होता है वो यहाँ पे डाला जाता है, जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि आप किस एज के हैं। एंड देन बेसिस पे आप फिर यहाँ पे कॉइन्स, यहाँ पे कैश देखे, फिर आप जो अपना ब्रांड सेलेक्ट करना है वो आप ले सकते हैं। इससे प्राइस लिखा देखो कितने, 6 यूरो का। सबसे महंगी वाली कौन सी है? ये है 9 यूरो की, रेड मार्लबोरो रेड। हाँ, 9 यूरो की, 28 टुक है इसमें। हाँ, और ये 8 यूरो की है, ये भी रेड मार्लबोरो है। हाँ, ये 9 की है या इसकी है? इधर कोई बबल गम भी मिलती होती है कोई? हाँ, करेक्ट। जब बबल गम ले सकते हो। ये है क्या चीज? ये पता है, वो ऐसे रैपिंग से होती थी ना ऊपर टावर में अपन कभी ऐसे होता है। ये देखो, ये ट्री है, एप्पल ट्री। ओ हाँ, ये तो सेब है। अच्छा, यहाँ से अपन ऑलराइट, यहाँ से अपन सीधे जाएंगे तो अपन फिर से वही रेवे हिट करेंगे। तो राधर, हमें यहाँ पे आना चाहिए। अच्छा, इस वाले, इसका मतलब पता है, साइन का मतलब कि आगे डेड एंड है। इसको कुल दे सैक बोला जाता है। सी यू एल, कुल दे सैक, डी ई एस ए सी। तो ये टी मतलब डेड एंड है, और साइकिल और पैदल जा सकते हैं। सिर्फ साइकिल और पेडेस्ट्रियंस जा सकते हैं। ये वाला जो साइन है इसमें ये है कि फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, मतलब दिस पॉइंट मतलब ये दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स आप गाड़ी सिर्फ एक्सेलरेटर से नहीं चला सकते, सिर्फ क्लच पे चलाना पड़ेगा आपको गाड़ी। ओके, मतलब कि यहाँ पे आप एक्सेलरेटर नहीं दबा सकते, 10 किलोमीटर से नीचे की स्पीड होनी चाहिए जो भी है। तो मतलब वो जो सिंबल बना है इसमें, एक बच्चा बना है, गाड़ी है, घर है। हाँ, तो मतलब कि यहाँ पे प्लेग्राउंड टाइप का है, बच्चे लोग स्ट्रीट पे आ सकते हैं। सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, सो यू कांट गो। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है लोगों के लिए जो कि साइकिल चलाते हैं। और सोचिए, साइकिल चलाते चलाते आपके सामने सीढ़ियाँ आ गई तो क्या करेंगे? तो आप ये कर सकते हैं, आप अपनी साइकिल को इस पे लेके जाके, साथ में जैसे हाथ में साइकिल है तो ऐसे ऐसे जाके वॉक कर सकते हैं, और इसमें व्हील चेयर भी आ सकती है। करेक्ट, जहाँ पे भी मैक्सिमम जगह पे, जहाँ पे भी सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे इन्होंने व्हील चेयर एक्सेस और साइकिल के लिए भी एक्सेस बना रखा है। मतलब कि एक डेवलप्ड कंट्री की निशानी यही होती है कि छोटे से छोटा काम भी इतने सलीके से करेंगे कि नहीं, कोई जुगाड़ नहीं, कुछ नहीं। अगर उस चीज़ में कुछ चीज़ मैंडेटरीली बाय लॉ लगानी है तो वो लगाएंगे, कोई घपला नहीं, कुछ नहीं। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि हर इंसान की वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि अगर आप हैंडीकैप हो या फिर आप फिजिकली चैलेंज हो या फिर गॉड फॉरबिड समथिंग एल्स, बट एवरी ह्यूमन बींग इज इक्वली वैल्यूड। जो कि बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता दूँ, ये जो ईंटें लगाए गए हैं ना, ये भी लगाने का जो काम है इसके लिए डिप्लोमा किया जाता है। एंड ये कोई आम आदमी भी नहीं कर सकता,
ईंटें कौन सी काटनी है, कैसे करना है। भले ही बड़ा काम ईजी सा लगे, बट दे डू इट वेरी डिलीजेंटली, और ऐसा नहीं कि गंदगी छोड़ के चले गए, बड़े प्यार से उसको साफ सफाई करके अच्छे से देन दे लीव। और ये नहीं कि जैसे यहाँ पे एक सेंटीमीटर का जैसे गैप छूट गया इसको खाली रख दिया, यहाँ पे भी ईंटें डाल दी इन्होंने। बट एक काम करने का वो होता है, एक ऑनेस्टी होती है काम करने की, जो यहाँ का कल्चर ही है कि ऑनेस्टी से आपको काम करना है। आप चाहे एक सुई में धागा ही डाल रहे हो, करेक्ट, विच इज वाई आपको परफेक्टली करना है। विच इज वाई मैंने कल परसों एक आर्टिकल पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि जापान एंड जर्मनी आर द टू मोस्ट वेरी गुड डेवलपिंग नेशंस एंड दे हैव वेरी हाई जीडीपी एंड दे वर एबल टू डू सो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड बिकॉज ऑफ द पीपल हु ऑलरेडी न्यू द वे ऑफ लाइफ ओवर हियर। इम्प्रेसिव। तो गाइज आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आई होप यू गेट मोर मच मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर ट्रैवल इन जर्मनी। तो लव यू ऑल, बाय बाय।